हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं साइमा खलील, आज मैं आपके साथ पालक चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, देखते हैं हम पालक चिकन कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और चिकन जो होता है पालक के अंदर हमारे टेस्ट के लिए होता है, तो पालक जो इसके अंदर है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगी, ठीक है। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पालक से बना हुआ एक टोटका मैं आपको बताऊंगी जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बनाना बहुत ही आसान है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आखिर में मैं आपको उससे बना टोटका बनाने का तरीका बताऊँगी, तो आप जो है इसको आखिर तक, मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें, आज जो हम आलू पालक की रेसिपी बना रहे हैं, तो उसके लिए जो सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उस सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इधर मैंने 3 पाव के करीब जो है चिकन फ्राई होने के लिए रख दिया है। 1 किलो मैंने पालक ली है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और मैंने इसको बॉयल नहीं किया। बॉयल करने के बगैर ही मैंने इसको काट के धोकर ग्राइंड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये पक जाएगा। बॉयल करने से इसका सारा आयरन जो है वो निकल जाता है, तो किसी काम की नहीं जाती, ठीक है। इधर मेरे पास है 2 चम्मच कसूरी मेथी और इधर मेरे पास है हरी मिर्ची का पेस्ट, टमाटर पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मेरे पास है नमक और प्याज का पेस्ट, ठीक है। 1 टीस्पून मेरे पास है लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। इधर मैंने साबुत गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, इसमें मैंने ज़ीरा यूज़ नहीं, क्योंकि ज़ीरा मेरे पास है पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर है मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसमें ज़ीरा शामिल नहीं किया है। तो इधर मेरे पास है कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च और से गार्निश के लिए, ठीक है। और चलते हैं हम इसको बनाने की तरफ, ठीक है। तो अब मैं इसको जो अपना चिकन है इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि चिकन हमें पहले फ्राई कर लेना चाहिए, उसमें जो थोड़ा सा पानी वानी होता है वो भी निकल जाता है, और फ्राई करने से हमारा चिकन जो है वो सब्ज़ी के साथ घुलता नहीं है। जब सब्ज़ी गल रही होती है तो जैसे चिकन हम वैसे ही डाल देते हैं तो फिर वो सारा घुल जाता है, तो फ्राई पहले से कर लें तो फिर वो घुलने के चांस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो चलें हम पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। चलिए देखेंगे हमारा चिकन जो है अच्छा सा फ्राई हो गया है, देखिए कितना तुरंत इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसको हम अपने साइड में निकाल के रख देते हैं, फिर इसी ऑयल में जो है हम अपना मसाला भूनना शुरू कर देंगे। तो इसको हम इधर निकाल कर साइड में रख देते हैं प्लेट में, ठीक है। सारा चिकन जो है साइड में रख देंगे इस तरह से करके, चले चिकन हमने निकाल लिया है। अब सबसे पहले हम अपना जो साबुत गरम मसाला है वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ 2 लौंग, 4 काली मिर्च और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए, इसमें गरम मसाले की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब थोड़ा सा ये फ्राई हो गया, फिर मैं साथ ही अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा फ्राई कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, वो भी थोड़ा फ्राई हो जाए। क्योंकि लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। पहले हम सबसे थोड़ा सा लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे, इसके साथ ही अपना प्याज का पेस्ट, प्याज का पेस्ट शामिल करूँगी। चलिए प्याज हमारा फ्राई हो गया, अब हम इसमें अपना जो है टमाटर का पेस्ट ऐड कर देते हैं, साथ ही हम हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ हम जो है अपना कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह फ्राई होने देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। साथ ही हम अपना लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, फिर इसके अंदर हम अपना फ्राई किया हुआ चिकन जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये भून जाए मसाला हमारा। तो देखिए अब हमारा मसाला जो है अच्छा सा चिकने लग गया है, ये भून गया अच्छी तरह से। अब हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से सारा चिकन ऐड कर देंगे, सॉरी, और चिकन को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ साथ हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से इसके अंदर जो हमारा मसाला है इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है, इसको
इसको अच्छी तरह से, इस तरह से थोड़ी देर जो है ना, 2-3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। चले चिकन हमारा जो है वो देखिए मसाले के साथ 2-3 मिनट में अच्छा सा भुन गया है, मसाला इसमें रस गया है। तो अब हम अपना पालक शामिल करते हैं, जो हमारा पालक है ग्राइंड किया हुआ, इसको शामिल करते हैं। इस तरह से सारा पालक हम इसमें शामिल कर देंगे। पालक के अंदर जो है थोड़ा पानी है, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी पानी में जो है हमारा चिकन भी गल जाएगा और पालक भी हमारी जो है उसमें जो मसाला है हमारा पालक के साथ जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, रच बस जाएगा। ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह से हिला के स्लो फ्लेम पे हम इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट में ही रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमारा चिकन भी फ्राई है और हमारी पालक भी ग्राइंड की हुई है, तो पालक वैसे भी हमारी जल्दी ही गल जाती है। तो इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, उसके बाद मिलते हैं। चलिए, तो हमारा ये 10 से 15 मिनट में जो हमारा पालक का पानी है वो सूख गया है और इसमें चिकन भी गल गया है और ये अच्छी तरह से पक कर रेडी हो गया। देखें और कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है और खाने में भी इतना ही यमी होगा और इसके जो है वो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको चूल्हे को बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, अपने इसमें निकाल लेते हैं तोंगे में। ठीक है, चलिए तो देखिए जी हमारा पालक चिकन जो है वो पककर फाइनली रेडी हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा धनिए और हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो देखिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत है और बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ओके, इसको इसका धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं और इसी तरह हम अपनी जो हमने हरी मिर्च काटी थी इसको रखते हैं। इस तरह से डेकोरेट हो गया, बहुत ही यम्मी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो पालक चिकन का सालन है वो फाइनली रेडी हो गया है, डिश आउट भी हो गया है, इसकी डेकोरेशन भी हो गई है। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं इससे बना हुआ एक टोटका आपको बताऊंगी, तो वो टोटका हम बताती हूँ मैं आपको, टोटके की तरफ चलते हैं। ठीक है, पालक जो है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें आयरन होता है और ये हमारे मैदे को साफ़ करती है। ठीक है, और जिन लोगों को कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि इससे बना हुआ एक टोटका है। जैसे कि पालक जो है उसको अच्छी तरह से काट कर धो लें और उसके साथ जो है हमारे पास ग्रीन छिलके वाली दाल होती है, ठीक है, वो ले लें। जैसे आपके पास आधा किलो पालक है तो 2 मुट्ठी आप छिलके वाली दाल ले लें और इन दोनों को जो है ना चूल्हे पे चढ़ा दें, पानी डालकर 2 गिलास, तो अच्छी तरह पकने दें इनको, पक कर जो एक जान हो जाएं, जैसे घुल जाएं पक कर, तो ठीक है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च ऐड कर लीजिएगा, बाकी इसमें कोई मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, जिनको कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन रहता है वो हफ्ते में 2 दफ़ा एक प्याली भरकर छिलके वाली दाल और पालक जो है ना इस तरह से टोटका बनाकर खाएं, तो उनकी कॉन्स्टिपेशन जो है रिलीज़ हो जाएगी और उनकी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी, जो कि बहुत सारी दवाइयों से ख़त्म नहीं होती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, ठीक है, टोटका है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही छिलके वाली दाल के ना ही पालक के। ठीक है, तो चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।